हेलो गाइस, माय नेम इज भूषण। स्वागत है आप सभी का एक और मेरी न्यू वीडियो में। सो आज मैं मेरे भाई को बताने वाला हूँ कि कार कैसे चलाते हैं, उसके बारे में आज फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ मैं कि अपनी कार जो है वो कैसे चलाते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो हमारे साथ है आज मनोज भाई। तो मनोज भाई, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जो फर्स्ट रहता है ABC वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। ए का मतलब एक्सीलेटर, बी का मतलब ब्रेक और सी का मतलब होता है क्लच। जैसे अपन बाइक चलाते हैं वैसे ही सेम टू सेम आपको कार चलानी है। तो सबसे पहले बाइक में अपन क्या दबाते हैं कार स्टार्ट करने से पहले? क्लच। तो आप पहले पूरा क्लच। जैसे अपन बाइक चलाते हैं वैसे ही सेम टू सेम आपको कार चलानी है। तो सबसे पहले बाइक में अपन क्या दबाते हैं कार स्टार्ट करने से पहले? क्लच। तो आप पहले पूरा क्लच दबाइए और ऐसे ये वाला क्लच रहता है। तो काफी लोग इसमें ही कंफ्यूज होते हैं, तो मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले ये वाला क्लच आता है, उसके साइड वाला ब्रेक और वो आता है रेस। तो मनोज भाई, क्लच जो है फुल प्रेस कीजिए और कार स्टार्ट कीजिए। उसको फुल प्रेस कर दीजिए। अब आपकी कार स्टार्ट हो चुकी है। तो सबसे पहले आपको हैंड ब्रेक नीचे करना है। तो हैंड ब्रेक नीचे कीजिए, बराबर फर्स्ट गियर डालिए। आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ, गियर के ऊपर फुल मार्किंग रहती है कि आपको गियर कैसे डालना है। तो मनोज भाई, पहला गियर देखिए, इन्होंने बोला है कि लेफ्ट साइड के तरफ करके फर्स्ट गियर डालना है जी। अब फर्स्ट गियर आपका डल चुका है। तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रख ली है, ये जो अपना राइट साइड वाला पैर है उसी से आपको रेस और ब्रेक कंट्रोल करना है, और जो आपका लेफ्ट साइड वाला जो पैर है उससे आपको खाली रेस कवर करना है। तो चलिए आप रेस पैर आपका अपना पैर रखिए रेस पे, और धीरे धीरे एकदम स्मूथ धीरे धीरे छोड़िए, एकदम आराम से छोड़िएगा। हाँ, तो काफ़ी लोगों की यही दिक्कत होती है कि वो क्या करते हैं, काफ़ी प्रेशर में अपना पैर हटा लेते हैं। तो मनोज भाई, बंद करके फिर से कार चालू कीजिए। बंद कीजिए, अब चालू कीजिए। हाँ, अब एकदम आराम से छोड़िए रेस। हाँ, एकदम आराम से। अब रेस मत दीजिए, आप खाली क्लच से एक धीरे धीरे पैर ऊपर कीजिए बस। रेस से पैर हटा लीजिए रेस से जी। हल्का रेस दीजिए, हल्का एकदम। फर्स्ट टाइम चला रहे मनोज भाई, धीरे धीरे चलाइए। अब क्लच दबाइए, पूरा क्लच दबाइए, रेस से पैर हटा दीजिए, रेस मत दबाओ। अब सेकंड गियर इस साइड पे करके ऐसा आगे देखिए, धीरे धीरे चलिए, रेस दीजिए धीरे धीरे चलाइए। तो देख सकते हो मनोज, धीरे धीरे फर्स्ट टाइम में मनोज भाई काफी अच्छी कार चला रहे हैं। टर्निंग पे मनोज भाई रेस ज्यादा मत कीजिए, अगर आपने रेस दबा दिया तो कार स्ट्रेट निकल जाएगी अपनी। तो इसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, हम ऐसे फुल ग्राउंड पर प्रैक्टिस कर रहे हो, आप पब्लिक प्लेस में नहीं करो तो अच्छा होगा। कॉन्स्टेंट रेस पर अपना पैर रखिए मनोज भाई। आप मनोज भाई 10 और 20 के बीच में ही अपनी कार चला रहे हैं, इसकी वजह से मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि मनोज भाई ने थर्ड गियर अप्लाई करना चाहिए। तो सेकंड पे हमारी कार चल रही है। कम ज्यादा मत कीजिए मनोज भाई। नेक्सॉन का क्लच काफ़ी डीप होता है, इसकी वजह से जो बिगिनर होते हैं उनको काफ़ी दिक्कत होती है। अगर आप अल्टो वगैरह से चलाओगे तो आपको नेक्सॉन से आसान आपको अल्टो आएगी चलाने में। तो देख सकते हो आप लोग, मनोज भाई नेक्सॉन काफ़ी बढ़िया चला रहे हैं अपनी, कोई बोल ही नहीं सकता कि फर्स्ट टाइम ड्राइव कर रहे हैं फर्स्ट टाइम।
तो यही कुछ था कि आप अपनी कार कैसे चला सकते हो, मैंने काफी आसान तरीके से। अब मनोज भाई कार रुका लो। हाँ, जब भी अपन ब्रेक लगाएंगे तो पहले क्लच दबाना, उसके बाद ही पूरा ब्रेक दबाना। अब गाड़ी बंद हो चुकी है इस जगह पे, फिर से स्टार्ट कीजिए गाड़ी, न्यूट्रल पे कीजिए। सेंटर में न्यूट्रल होता है, अगर आपको पता करना है कि कार न्यूट्रल पे है नहीं, ऐसा गियर हिलता है जब अपनी कार न्यूट्रल पे होती है, तो आप जी क्लच दबाइए। कार अगर बंद गिर गई तो उसको रिटर्न स्टार्ट करना पड़ता है, तो अपनी कार स्टार्ट कीजिए स्टेयरिंग सीधा करके ही। अब फर्स्ट गियर डालिए। हाँ, और धीरे धीरे एकदम नॉर्मल छोड़िए, एकदम नॉर्मल, आपको ज़्यादा टेंशन, आप नॉर्मल छोड़िए। फिर से हाँ न्यूट्रल कीजिए, फर्स्ट गियर डालिए। हाँ, धीरे धीरे छोड़िए और धीरे धीरे रेस दीजिए, एकदम हल्का सा रेस पर भी आप पैर रखिए, हल्का धीरे छोड़िए। तो गाइज ये प्रॉब्लम जो है, जो न्यू बिगिनर रहता है उसके लिए ये प्रॉब्लम आ ही सकती है, क्योंकि हर बार कार बंदी गिरती है, तो इसमें कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। आप 10-20 बार कर लोगे तो आपको भी परफेक्ट आ ही जाएगा। बराबर। तो देखिए मनोज भाई ने फिर से कार स्टार्ट कर ली है। मनोज भाई 15 के ऊपर स्पीड गया तब आपको सेकंड गियर अप्लाई करना होता है, लेकिन आपको इसी आपको कॉन्सेंट्रेशन पे पैर रखना है। फुल क्लच दबाइए और सेकंड गियर डालिए। हाँ जी, क्लच दबाइए, नहीं थर्ड डाल दिया आपने, फोर्थ डाल दिया आपने मेरे साइड पे सेकंड, पर धीरे धीरे छोड़िए और रेस दीजिए। तो काफी दिक्कत आ रही है, तो मैं अब मनोज भाई को चलाना सिखाऊंगा। मनोज भाई आप उतर जाइए, मैं आपको चला के दिखाता हूँ। फर्स्ट टाइम गाड़ी बंद कीजिए, डोर ओपन कीजिए आपका। तो अब मैं बताऊंगा मनोज भाई को कि कैसे कार चलानी है। वो जो गियर वाला प्रॉब्लम था शिफ्टिंग का, उसमें काफी लोगों को दिक्कत आती है, तो उसमें कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैं बताऊंगा कि कैसे आपको कार चलानी है। मनोज भाई आपने मेरे पैर के ऊपर ध्यान रखना है कि मैं कैसे ऑपरेट करूँगा। ये मैंने फर्स्ट गियर डाला, उसके बाद मैंने धीरे धीरे आने दिया, धीरे। आप काफ़ी टेंशन में रहते हो, टेंशन बिल्कुल लेना नहीं है। देखिए मैंने अभी भी फुल छोड़ा, आप क्या करते हो ऐसे झटके मार के छोड़ते हो, तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, स्मूथली एकदम स्मूथ छोड़ना है। मैं रेस भी नहीं दे रहा हूँ फिर भी गाड़ी आगे बढ़ेगी, देख सकते हो आप। आराम से पहले गियर में गाड़ी छोड़नी है, उसके बाद क्लच से पैर हटाना है, ऊपर रखना है, उसके बाद धीरे धीरे रेस देनी है आपको, देख सकते हो। उसके बाद फिर से क्लच दबाना है, सेकंड गियर अप्लाई करना है और फिर से क्लच छोड़ना है। रेस आपको बिल्कुल भी देना नहीं है, देख सकते हो। मनोज भाई फर्स्ट टाइम कार चला रहे हैं, इसके वजह से उनको आइडिया आ रही नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, अब मैं थर्ड गियर डालूंगा। तो मैं आपको सबसे पहले गियर समझा देता हूँ। देखिए मनोज भाई, पहला, दूसरा, तीसरा, सेंटर में लेके आगे तीसरा, उसके बाद फोर्थ गियर आ गया, और जो फिफ्थ नंबर का गियर है उसको पूरा मेरी तरफ करके आगे। और वैसे ही जैसे अपन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करते, पूरा पीछे सिक्स गियर हो गए। अगर आपको गाड़ी अपनी कार रिवर्स करनी, तो आपको क्या करना है, इधर एक नॉब होता है पीछे, वो नॉब को ऊपर करके आपको रिवर्स गियर इंगेज करना है। तो देखिए आर आ गया, अपनी कार रिवर्स हो चुकी है, देखिए। फिर से मनोज भाई को एक बार कार दिखाएंगे। मनोज भाई फिर से आप एक बार देख लीजिए कि फर्स्ट गियर कैसे डलता है। ये मैंने फर्स्ट गियर डाला, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने धीरे धीरे धीरे, काफ़ी धीरे। आप क्या करते हो मनोज भाई, डायरेक्ट ऐसे पैर ऐसे छोड़ देते हो, उसके वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। आपको क्या करना है, धीरे धीरे छोड़ना है। आप अगर रेस भी नहीं दोगे तो भी आपके आपके कार का आरपीएम उतना ट्रेन रहता है आपकी आपकी कार चलाने में। देखिए मैं रेस भी नहीं दे रहा हूँ, फिर भी अपनी कार चल रही है,
आपको खाली नॉर्मल रेस देना है, काफी जो न्यू ड्राइविंग मतलब कार चलाने वाले लोग होते हैं और टेंशन में आ जाते हैं एक दो बार ऐसे झटके खा के। अब फिर से मनोज भाई अपनी कार चलाएंगे, मनोज भाई आ जाओ। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा क्योंकि मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूँ कि आपको कार कैसे चलानी है। स्टार्ट करो मनोज भाई। आपके हिसाब से सेट कर लो। हाँ, फुल क्लच दबाओ। रेस से पैरा फटाई लो, रेस मत दो। हैंड ब्रेक खींचो, हैंड ब्रेक फर्स्ट गियर। अब मैंने जैसा बोला था वैसे ही आपको धीरे 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 धीरे, तो टेंशन बिल्कुल लेना नहीं, कभी ना कभी तो आपका पैर ऊपर आ ही जाएगा। आने दो टेंशन मत लो। देखिए अब मनोज भाई ने क्या किया, कार चलने लगी फिर भी उनका जो पैर था क्लच के ऊपर का वो उन्होंने साइड में कर लिया, इसकी वजह से फिर से झटका, अब झटका आ रही कार में। हाँ मनोज भाई आप ज्यादा रेस दे रहे हो, सेकंड गियर डालो, धीरे छोड़ो रेस दीजिए मनोज भाई, धीरे। तो यही कुछ टिप्स थे कि आप अपनी कार कैसे चला सकते हो। अगर यही जो मैंने आज जो वीडियो में जो आपको बताया, अगर आपने 10-15 दिन भी ये ट्राई किया और फॉलो किया तो आप भी अपनी कार अच्छे तरीके से चला सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।